नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं आपको मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना ये क्या एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो मुख्यमंत्री द्वारा यानी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आप जन कल्याण विभाग के नाम से सर्च करोगे तो भी आपके सामने खुल कर आ जाएगी। संबल 2.0 के नाम से सर्च करोगे तो भी आ जाएगी। इसके दो नाम दिए हुए हैं। तो दोस्तों, आपको आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो श्रमिक है, श्रमिक का पंजीयन आप कैसे करोगे, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं दोस्तों। तो आपको हमारा वीडियो पूरा देखना है ताकि वीडियो आपको पसंद या समझ में आ सके। आपके समझ में तभी आएगा, आप वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप हमारे वीडियो पर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो जो भी अपलोड हो सबसे पहले आपको मिले। तो आपको पंजीयन आवेदन पर इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के आवेदन हम करने पर आपके सामने ये पोर्टल खुल के आ जाता है। जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्रमिक का आवेदन करें, यानी यहाँ पर आप श्रमिक का आवेदन कर पाओगे। यहाँ पर आपको अपनी नौ अंगों वाली श्रमिक आईडी डाल देनी है। श्रमिक आईडी यहाँ पर आप क्या डालोगे, नौ अंगों की श्रमिक आईडी डालेंगे इसमें। तो अपने आपकी जो नौ अंकों वाली श्रमिक आईडी है यहाँ पर वो डालनी है। यहाँ पर आपकी आठ अंकों की यानी पर आपकी परिवार आईडी है वो डालनी है। अपने परिवार आईडी डालने के बाद में नीचे कैप्चा दिया हुआ है, वो कैप्चा डाल करके फिल कर देना है। कैप्चा डाल करके फिल कर देने के बाद में आपको समग्र खोजन पर क्लिक करना है। समग्र खोजन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने डाटा खोल करके आ जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपके सामने डाटा खोल करके आ जाएगा। आपको अपनी जानकारी पूरी देख लेनी है, पूरी लिखा है श्रमिक का आधार कार्ड आईडी यानी इसका आधार कार्ड लगा हुआ होगा, वो आधार कार्ड दिखाएगा, आधार नंबर। और श्रमिक का समग्र आईडी दिखाएगा। श्रमिक का नाम यानी राम नाम यहाँ पर नाम शो करेगा। पिता का नाम यहाँ पर आप पिता का नाम या उसमें नाम जो भी हो वो शो करेगा यहाँ पर। माँ का नाम यहाँ पर माँ का नाम शो करेगा यहाँ पर। लिंग यहाँ पर आपका मेल फीमेल जो भी वो शो करेगा यहाँ पर। श्रमिक यानी आपकी जन्म डेट है वो जन्म डेट शो होगी। श्रेणी आपकी यानी आप ओबीसी एसटी ओबीसी वो जो भी हो वो वहाँ पर शो हो जाएगा। श्रमिक का स्थायी पता, जिला, जनपद, समग्र आपके सामने पूरी डिटेल दी हुई है। तो आपको श्रमिक का प्रकार यहाँ से आपको चयन कर लेना होगा। मुझे दिया हुआ है श्रमिक का प्रकार, आपको श्रमिक का प्रकार चयन करना होगा। श्रमिक का प्रकार चयन करने के बाद में यहाँ से श्रमिक का प्रकार यहाँ से आप चयन करेंगे। संगठित हो आप संगठित करें, संगठित श्रमिक आप जो भी हो तो वो धुमक्कड़ हो तो धुमक्कड़ सेलेक्ट करेंगे। तो संगठित है तो असंगठित सेलेक्ट करें, धुमकड़ तो धुमकड़ सेलेक्ट करें। आपके जो भी जिसमें आते हो आप उसी को सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप एक योग्यता यानी आप कितना तक आपने ग्रेजुएशन की हुई है, स्कूल या मिडिल स्कूल या प्राइमरी जो भी है वो सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे यहाँ पर अपन सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं प्राइमरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्राइमरी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर अपना आपका जो भी वो आप काम करते हैं वो अपना काम सेलेक्ट करें। आप कृषि हो तो कृषि, अन्य और अदर हैं तो अदर, और जिस चीज़ में क्षेत्र में आप काम करते हैं वो काम सेलेक्ट करना होगा आपको। यहाँ पर आपको एक वर्ष का यानी आपको दिवस डालने होंगे। तो यहाँ पर आपके पास व्हाट्सअप यानी आप व्हाट्सअप पर जानकारी लेना चाहते तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए।
ये संदेश की ये नया हुआ है तो नो कीजिए। यहाँ पर आप हाँ यस है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। आकर दाता है यानी आप आकर दाता है तो यस या नहीं है तो नो। अगर आपके पास एक एकड़ से अधिक जमीन है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करने लाए और ये नीचे आपके सामने आईडी यानी आपकी आईडी की पूरी डिटेल दी हुई है, आपके परिवार की पूरी डिटेल आ गई है, समग्र आईडी है, नाम में वगैरह पूरी डिटेल आ गई है। अब नीचे की तरफ चलना है आपको, इन तीनों ऑप्शनों पर आपको क्लिक कर देना है यानी तो इसमें आपकी घोषणा मांगी गई है, पूरा पढ़ लेना है आपको। पढ़ने के बाद में आपको तीनों बॉक्सों पर क्लिक टिक कर देना होगा। तीनों बॉक्सों पर टिक करने के बाद में आपको सामने एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन पंजीयन कर पाएंगे।